हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम है एक और नए वीडियो में। गाइस, मैं ना एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, सिर्फ 2-3 दिन के लिए इंडिया जाने का। वो रिस्क क्या है, इंडिया जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, इस लास्ट वीडियो में आपको पता चलेगा ये वीडियो में। और उससे पहले आप, सुबह के 8:30 बज रहा है टाइम, अभी मैं स्कूल जाके आया और जो है वो नाश्ता जो है सैंडविच और चाय लेके आया हूँ। और इंडिया जाने का रीजन जो है वो है, अभी 28 तारीख में ना वहाँ हमारे यहाँ पे मिलाद है, ईद मिलाद है, क्योंकि मैं सोचा हूँ कि उसमें मैं भी शामिल हो जाऊँ। पता नहीं, देखेंगे इस वीडियो में लास्ट में पता चलता है कि टिकट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। सिर्फ 2 दिन के लिए इंडिया, सिर्फ 2 दिन के लिए, 28, 29, 30 को फिर वापस। तो ये फैसला लिया हूँ, मैं सोचूंगा कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, पता नहीं, वीडियो में लास्ट को पता चलेगा। और जो है सादिक भैया जो है वो नया लैपटॉप लाया है, ठीक है, वो बोला रहा है कि देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए जला रहा है वो मेरे को, मैं भी लैपटॉप लिया बोल के। तो गाइस वो भी जाके देखने के आएंगे, और इससे पहले नाश्ता वास्ता करके बाद में मिलता हूँ गाइस, चलो। तो गाइस दोपहर के हो रहे हैं 12 बराबर, मैं सो गया था नाश्ता करके, अभी जा रहा हूँ स्कूल में लाने के लिए। आप लोगों को जैसे कि मैं बताया था कि मैं 2 दिन में इंडिया जाने का फैसला ले आया हूँ, वो फैसला जो है मैं बताऊँगा, टिकट बताऊँगा या नहीं बताऊँगा, वीडियो में आखिरी में बने रहना पड़ेगा आपको। वीडियो के बीच में बता दूँ या आखिर में बता दूँ पता नहीं, लेकिन हाँ मैं तो बस बहुत खुश हूँ भाई, जाऊँगा, दोस्तों से मिलूँगा, फैमिली में मिलूँगा। 1 साल हो गया है, बताया कपिल को कि मुझे वैसा जाना है मिलाद के लिए, तो उन्होंने बोला ठीक है 5 दिन के लिए जा, 10 दिन के लिए जा, 1 महीना नहीं जा क्योंकि अभी स्कूल चालू है, ऐसा बताया। मैं बोला 5 दिन भी नहीं जाऊंगा, 10 दिन भी नहीं जाऊंगा, सिर्फ 2 दिन जाऊंगा, सिर्फ 2 दिन, इजाजत दे दो मेरे को। तो उन्होंने हाँ मान ली। तो देखेंगे, आज टिकट अगर मिल गई तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुझे 80% जो है वो भरोसा आ रहा है कि आज टिकट मिलेगी, और आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इसीलिए इसी खुशी में मैं ना जो है मैं बिस्किट खा रहा हूँ। जो भी चीज़ खा रहा हूँ ना, आज मज़ा ही मज़ा आ रहा मुझे ना, इसीलिए 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ। 16 तारीख को ना मेरा जो है हॉस्पिटल जाने का, वो बड़े बड़ा हॉस्पिटल, जैसे कि मैं बताया था ऑपरेशन के, ऑपरेशन के लिए अपार्टमेंट लिया हूँ बड़े हॉस्पिटल में, तो उसके लिए मुझे जाना है, तो इसीलिए मैं 2 दिन जा रहा हूँ, रीज़न बोल दिया हूँ। दूसरा है वो टिकट ही है, बताऊँगा। और अभी मैं एक नमाज़ ख़त्म कर लेके जोहर की सीधा जाऊँगा सादिक भैया के पास, ठीक है। सादिक भैया के पास जाने के बाद आपको दिखाऊंगा लैपटॉप, और अनबॉक्सिंग किया है तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, नहीं है तो फिर अनबॉक्सिंग करूंगा वेट के। बाकी तो भाई मुझे तो मज़ा आ रहा है, मज़ा तो बहुत आ रहा है, जिम में जा रहा हूँ, बॉडी शॉडी बना रहा हूँ। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं भाई आप लोग डाइट वेट करते हो क्या, मुझे याद नहीं था कि मैं इसका जवाब दूँ या नहीं। तो मैं ना, मेरे को पूछ रहे कि डाइट वेट करते हैं क्या, क्या भी प्रोटीन वोटीन। देखो प्रोटीन वोटीन डाइट वेट के बंदे तो अपन नहीं है, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हाँ, अगर अगर मेरे को सीरियस भी करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना डाइट बना के खाने में ना, क्योंकि बना के खाने में मेरे हाथ में नहीं है, यहाँ पे मुझे जो है खाना जो है वो घर से बना के आता है, वहाँ पे जैसा आता है मेरे को वैसा खाना पड़ता है। फिर भी मैं थोड़ा कंट्रोल करता हूँ, चावल कम खाना, तेल कम खाना, थोड़ा मीठा कम खाऊं, इसमें मैं थोड़ा कंट्रोल करता हूँ। और जो है इसमें नींद भी जो है वो टाइमिंग से सोना है, टाइमिंग से वो मेरे हाथ से नहीं हो रहा, वो भी फुल कोशिश करूँगा कि कंट्रोल करूँ, ठीक है। ये सब हमारे हाथ से नहीं होता भाई, जो भी अल्लाह ने बनाई हुई चीज़ है, जो भी खाना खाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, खाने में खाने पर कर रहे हैं, लेकिन डाइट वेट करेंगे तो कंजूसपन हो जाएगा, अपन खाते पीते बंदे हैं, ठीक है। तो हाँ ये है मसला। तो अभी तो पिछले वाला जो लास्ट वाला वीडियो है, माशाल्लाह उसे अच्छा रिस्पांस मिल गया है, अच्छा टाइम वॉच टाइम जो है वो अच्छा ठीक ठाक ही मिल गया है। मतलब करो यार, कुछ तो करो यार, वीडियो में ना प्यार इतना बरसाओ कि फाड़ दो भाई, बस मैं बता रहा हूँ। गाइस यहाँ
यहाँ पे जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है भाई। 2 साल से यूट्यूब में काम कर रहा हूँ, कुछ भी मेरा कुछ भी। एक तो कल जिम में जाके देखो, उंगलियां दो भी सूज गई है भाई, कसम से। इधर दिख रहा है ये डम्बल पड़ के ना, उंगलियां पूरी खत्म हो गए। पता नहीं कहाँ पे कुछ, कौन सा पत्ता खुलता है, पत्ता बंद होता है, पता नहीं। यूं होते 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 फिर बंद हो जा रहा है, यूं होते होते यूं, ऐसे पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे मेरे जिंदगी के पत्ते सब उल्टे चल रहे हैं भाई। कोशिश कर रहा हूँ कहीं पे तो दाल गलाने की, लेकिन गली नहीं रही है। आप लोग है गाइस, प्लीज दाल गला दो और तड़का भी लगा दो। आप लोगों का प्यार चाहिए, बस लोग बोलते रहते हैं आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्यार नहीं रहता गाइस इसमें, उसमें सच में पैसा रहता है, प्यार और कुछ नहीं रहता है। आप लोग वीडियो देखते हैं तो उनको पैसा मिलता है गाइस। लोग बोलते हैं यूट्यूब में आप लोगों का प्यार है, आप लोग हमारी फैमिली है, वो है, बस आप लोग फॉलो करते हैं ना तो हमको पैसा मिलता है गाइस। ये लोग सच्ची हकीकत जो है वो बताते नहीं है। आप लोगों का प्यार जो है ना वो पैसा है, ठीक है। अगर वही प्यार रख लेंगे, आप किसी फेमस के पास जाओ तो आपको इग्नोर करेगा, अबे हटना हमको पावर। यही है गाइस, हम कहते हैं ना आप लोग भी ना प्यार कमाओ, आप लोग भी प्यार कमाओ, इसीलिए हम भी प्यार कमाने के चक्कर में ना देश देश विदेश छोड़ के आ गए गाइस। जब बातें करने बैठता हूँ तो पूरी सच्चाई खुल जाती है मेरे से, ज्यादा बातें नहीं करवाओ तो अच्छी बात है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नहीं तो रात में मैं आके नींद में ख्वाबों में डरा दूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, डरा दूंगा मैं ख्वाब में आके रात में। कर लो गाइस, बहुत मेहनत करता हूँ गाइस, कर लो गाइस। विदेश में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे आके वीडियो बनाते रहते हैं अपन। बातों बातों में मैं स्कूल में आ गया गाइस, जैसे रूम से शुरू किया था वीडियो में। पार्किंग लगा दूंगा आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये देखो गाइस मैं आ गया स्कूल में, ठीक है, मैं पार्किंग लगा दूंगा अभी गाड़ी इधर। चलो गाइस मिलता हूँ बाद में। मैं नया लैपटॉप लिया हूँ, अब मैं लैपटॉप में ब्लॉगिंग शूट कर रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस, हाउ आर यू गाइस, हाउ आर यू एवरीबॉडी। इधर हमारे भाई बैठे हैं, ये देखो कैसा लग रहा है गाइस, कैसा 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 लग रहा है। तो गाइस सादिक भाई के पास जाके आया और लैपटॉप भी देख के आया, ऑलरेडी ओपन करके उसमें सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा था, ठीक है। और मैं आया हूँ विंडम मॉल में भाई, बहुत दिन के बाद मैं आया हूँ। ये क्या बन रहा है भाई विंडम मॉल के बाजू में, विंडम मॉल के बाजू देखो कितना बड़ा बन गया है। सिर्फ 1-2 महीना नहीं आया बस मैं इधर, ठीक है। तो अभी विंडम मॉल में आया हूँ, बहुत दिनों बाद में आया हूँ मैं, तो अभी चल रहा हूँ, देखेंगे कुछ मजेदार सा। मैं ना पार्किंग अभी इधर लगाऊंगा, किया है WEA के पास में, WEA मॉल है। अबे यार ये तो बंद कर दिए, रास्ता भी बंद कर दिए भाई साहब, ये देखो रास्ते भी बंद कर दिए, क्या मुश्किल है भाई, रास्ते सब बंद कर दिए लोग। अबे यार ये तो गलत हो गया भाई। विंडो मॉल भाई साहब, इतना बड़ा मॉल है ना ये, मैं अंदर आपको बताया हूँ, फिर भी ये देखो बाजू में पूरा समंदर है, लोग जो है मछलियाँ पकड़ते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे पार्किंग लगाऊंगा गाड़ी, गाड़ी पार्क लगाने जगह ही नहीं भाई यहाँ पे, फिर से दोबारा घूम के आना पड़ेगा। ये देखो क्या व्यू आता भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं, बहुत दिन बाद में आया हूँ मैं, तकरीबन 2-3 महीने आया ही नहीं मैं इधर, अपने वीडियो नहीं देखा होगा इधर का विंडो मॉल में। ये है लुसेल एरिया विंडो मॉल, तो देखेंगे पार्किंग वार्किंग लगा के मिलता हूँ। ओ देखो गाड़ी उधर लगाया हूँ मैं, पार्किंग उधर लगा के दोनों के बिल्डिंगों के बीच। और ये है विंडो मॉल भाई साहब, कितना नंबर गेट है पता है, 4 नंबर गेट है, वो 3 नंबर गेट है, इसके पीछे जो है 2 नंबर गेट, उधर छोड़ के आया हूँ मैं सबको। और ये गाड़ियाँ जो है मेरे आँख में बहुत चुभ रहे भाई, मुझे इंडिया लेके जाना है ये गाड़ियों को, कसम से। पता नहीं कब मैं यूट्यूब में कामयाब होता हूँ, ऐसे गाड़ियाँ खरीदूँगा, पता नहीं गाइस, कमेंट करके बताओ ऐसे गाड़ियाँ कब लेना है मेरे को, ठीक है। और अंदर जाऊँगा, अभी दोस्त आ रहा है, दोस्त की वेटिंग कर रहा हूँ। अरे भाई साहब खतरनाक गाड़ियाँ हैं भाई साहब, ये देखो विंडो मॉल के सामने, क्या मजा है भाई, क्या खतरनाक दिख रहे भाई दोनों गाड़ियाँ, ओ माय गॉड, जबरदस्त। एक फरारी है, एक लैम्बोर्गिनी है, उसके अंदर शोरूम है, शोरूम के अंदर भी जाने की कोशिश करूँगा मैं, परसों आया था लेकिन शोरूम बंद था। ये क्या लुक दिख रही भाई गाड़ियाँ। तो भैया फाइनली अपन आ गए अंदर,
ये भी लैम्बोर्गिनी है, मतलब खतरनाक है ये छोटा, कितनी छोटी है भाई साहब, ये देखो ये मतलब ऐसा लग रहा है पुरानी गाड़ी, पुरानी है लेकिन इसका प्राइस जो है वो देखो था मुझे, ये देखो प्राइस इसका कितना है, इसका पूरा बाई डेटा है, ये मॉडल, इसका मॉडल भी दिखाया, कहाँ गए अभी मॉडल, इधर है, ये देखो पूरा बाई डेटा है इसका, यहाँ पे है BMW, यहाँ पे है फरारी, ये फरारी नहीं है वे, कौन सी है ये, वहाँ पे है फरारी, जी वैगन, कसम से भाई साहब क्या गाड़ी है भाई साहब, वहाँ पे है डिफेंडर, डिफेंडर है, रेंज रोवर, ये देखो भाई साहब खतरनाक गाड़ी है, ये देखो भाई साहब BMW, इसका इसका ग्राउंड फ्लोर देखो भाई कितना छोटा है ग्राउंड फ्लोर, कसम से गाइस मज़ा आ रहा है भाई साहब मुझे तो, कसम से बता रहा हूँ, ये भी BMW, इसका भी ग्राउंड फ्लोर देखो, यहाँ पे है मर्सिडीज, मर्सिडीज जी वैगन, जी वैगन खतरनाक, आज का वीडियो तो भाई ज़बरदस्त हो रहा मेरा, ये कौन सी है ये फाइटर, इसमें इंसान पार ही नहीं होता भाई कसम से भाई, इसके हेलमेट लगे हुए हैं, एक हेलमेट वहाँ पे, दो हेलमेट है, दो हेलमेट है, एक मतलब क्या हेलमेट वाली गाड़ी चलाती क्या, ये डी स्टेयरिंग है इसका, डी वाला है, तो जो जब रोड में पड़ती है तो क्या हालत होगी इसकी, और कौन सी है भाई गाड़ियाँ, यहाँ पे इसका भी डाल दिए लोग ऊपर, बहुत लोग बोले कि जब पहले एक बार आया था ना मैं, जब बोल रहे थे कि शोरूम के अंदर गया ही नहीं, शोरूम खुला ही नहीं बोल के, लो भाई आ गया फाइनल शोरूम के अंदर इसी तरह सऊदी अरब में भी एक शोरूम में भी गया था मैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो रियाद में शोरूम गया था वो बहुत खतरनाक था भाई, वो अभी गाड़ियाँ, वो भी गाड़ियाँ देख लो और ये भी देख लो मज़ा आ गया भाई, चलता हूँ अभी बाहर, थोड़ा बाहर का मज़ा लेंगे, ये दो गाड़ियाँ है ना भाई, ये दो गाड़ियाँ फेवरेट है मेरे, तो बोल रहे सर्विस को आई थी ये गाड़ियाँ, सर्विस करा लेके जा रहे हैं अभी, अभी अपन भी जा रहे हैं समंदर की तरफ, तो ये आ गया मैं समंदर के पास में, वो ये जो शोरूम है गाड़ियों का, कार का, उसके पीछे जो है पूरा समंदर है, पहले भी आ चुका था मैं यहाँ पे, ठीक है, और अब भी आ चुका हूँ, तकरीबन 3-4 महीने बाद आया हूँ, तो देखो वहाँ पे पूरा काम चल रहा है भाई, समंदर के बीच में काम चल रहा है, और यहाँ पे ना ये लोग कुछ काम कर रहे है, ये सेटअप वटअप लगा रहे हैं कुछ, और यहाँ पे मछलियाँ पकड़ देते हैं, कोई दिख ही नहीं रहा है मछली शिकार करने वाला, आगे जाना पड़ेगा क्या गाइस, थोड़े फोटो वोटो खींच लिया, थोड़े रील्स बना लिया गाड़ियों के सामने, जबरदस्त, जाओ इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और गाइस इंस्टाग्राम का भी फॉलो कर लो, और आज का वीडियो जो है ना मैंने सोचा नहीं था, मैं ना कोई प्लानिंग करके नहीं बनाता हूँ कि हाँ, कभी कभी होता है प्लानिंग, कभी कभी नहीं होता है, आज का वीडियो प्लानिंग करके बना ही नहीं रहा था मैं, आप लोगों को इंडिया जाने का अपडेट देना बोल के सोचा था, देखो विंडम मॉल में आ गया, विंडम मॉल में आके आपको बेहतरीन सुपर कार दिखाया, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना गाइस, और मैं आज शाम को आपको, अभी मैं जो इंडिया जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ उसके बारे में भी बताना है आपको, ठीक है, जैसे कि अभी मुझे फ़ोन आया था सेठ का कि टिकट कब की कराना बोल के, मैं उसको पूरे सारी बात बता चुका हूँ, और वो सब मैं आपको रूम में चल के बताता हूँ, ठीक है, तो गाइस अभी चलता हूँ विंडो मॉल के अंदर, थोड़ा देखेंगे कुछ फंक्शन वंक्शन होगा, फंक्शन वंक्शन होगा तो फिर देखेंगे क्या क्या है वहाँ भी अंदर, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत हो गया, अंधेरा भी होने वाला है, अंधेरा होता है तो मज़ा नहीं आता है, ठीक है, चलता हूँ विंडो मॉल के अंदर, मिलता हूँ अंदर, देखो भाई मॉल कितना वाइट 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 है भाई, कसम से कितना प्यारा लग रहा है ना, पूरा वाइट वाइट है भाई, नीचे पार्किंग लगा दिया और मॉल के अंदर आ गया, ऊपर और 2-3 फ्लोर है, और यहाँ पे जो वेटिंग करने के लिए सोफा सेट लगाए हुए है, वो होटल देखो भाई कितना ज़बरदस्त है, ये रेस्टोरेंट पैसे भी बहुत खतरनाक है भाई साहब, अंदर तो बड़ा प्यारा है भाई, पहली बार आया हूँ मैं अंदर, देख रहे हो वाटरफॉल का सब है इधर, अरे माशाल्लाह भाई ये कब चालू होता भाई, देखना है मुझे इसको, अरे यार ये तो शायद रात में चालू हो गए, बड़ा प्यारा लाइटिंग दिख रहा भाई कसम से, लग रहा है ना
जबरदस्त लग रहा है भाई, यही देखने को मन कर रहा था मेरा बस। शायद ये पानी वाला रात में चालू होगा, देखना पड़ेगा। अच्छा, एक भाई को पूछा, उसने बोला है कि करेक्ट 6 बजे ओपन होता है, 6 बजे देखेंगे अपन। ठीक है, 6 बजे बोल रहा है, 6। अरे ये तो इंडिया, 6 बजे ओपन होता है, भाई ने बोला है, वेट करके देखेंगे। अभी 2 मिनट बचा है, 2:06 को 2 मिनट। आप 6 बजे बोला, 6 बजे सही से स्टार्ट हो गया, लेकिन कॉपीराइट आएगा, म्यूजिक बज रहा है भाई। जिम हो गए आज का, आज जो है जो नए भाई आए यूपी के, ये दो लोग नए आए, क्या नाम है? अकरम। ये टैटू क्यों डाला यार? तेरा नाम बकरम, ये तेरा नाम क्या है? नवाज भाई, हाय करो ना, हाय करो, कल आएगा तू यूट्यूब में। अकरम भाई हाय, अरे हाय करो ना, छोड़ दो उसको। अकरम भाई बहुत बिजी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, यूसुफ है हमारे गाँव का यूसुफ। इसको बहुत अर्जेंट है, इसको नेपाली को छेड़ना है बस होटल में जाके। तो गाइस, भाई के साथ बैठा हूँ हमारे, देखो हम दोनों भाई भाई लगते हैं। कल भी फोटो डाला था ना मैं, देखो ऐसा लग रहा था, आज ब्लैक पहन के आए हम दोनों ब्लैक पहने, ये भी ब्लैक पहने, मैं ब्लैक। तो मैं जैसे ड्यूटी से सीधा ना आया था जिम में, जिम खत्म कर लिया, जिम खत्म करके आज बैक वर्कआउट करिए, स्टोरी लगाऊंगा बैक का और इंस्टाग्राम में। ठीक है गाइस, मैं ना बोला था कि इंडिया जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, मिलाद के लिए। तो भाई ने बोला कि मत जाओ भाई, 2 दिन के लिए क्यों जा रहे, लॉस हो जाएगा, ऐसा बोल के। अबे यार कॉपीराइट आएगा यार, मुझे गाना बजा रहा है। मत जाओ बोल के ऐसे बोल के बोला। अभी देखो मैं मेरे सेठ से बात भी किया, बोलता है कि क्यों 2 दिन के लिए जा रहा है तू, ऐसा था। मैं तो टिकट निकाल के देगा, टिकट का कोई मसला नहीं है, टिकट निकाल के देगा बोला है, और टिकट निकाल के देगा तो भी 2 दिन के लिए जाके फायदा नहीं है। तो उसके वास्ते अभी देखेंगे, घर में भी चिल्ला रहे हैं कि 2 दिन के लिए आगे क्या करेगा, 5 आएगा तो वापस नहीं जाएगा, ऐसा मसला चल रहा है। तो इसीलिए फिर मैं टिकट कैंसिल कराया, और इंशाल्लाह मैं देखूंगा रमज़ान में, या तो रमज़ान में आऊँगा, या तो फिर अबे यार आइस डाल दिए यार, आइस ज़्यादा है, शुगर डाला है? नहीं, शुगर डालेगा तो वापस करेगा। मैं पहली बार ले रहे तुम्हारे पास, देख। बहुत दिन बाद में आ गया, नीचे गिर गया।
रखना, रख लो रख। कोई मुश्किल नहीं है, तुम चीनी डाल भी दे तो हम क्या करें। थैंक यू। आइस तो बहुत ठीक है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है आप हंसो बस। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि हम लोग ऑरेंज ऑर्डर कर रहे थे होटल में। और भाई बताओ, इंडिया जाना है दो दिन के लिए, नहीं जाना है बता भाई। भाई छोड़ नहीं रहा है क्योंकि यार, क्योंकि पता है इसको मैं थोड़ा कोच कर रहा हूँ ना, ट्रेनिंग कौन करेगा यार, भाई को थोड़ा ट्रेन कर रहा हूँ। और भाई मुदीर है, ठीक है। और चलना गाड़ी, चला पीले 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 चलते हैं अभी। तो मैं ये इस बार जो है माफ करो, कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोला कपिल से, बोला कि टिकट कैंसिल कर दो। तो अभी उसने बोला क्यों मजाक कर रहा है मेरे साथ, मैं एहसास हो रहा नहीं अभी तो दो दिन के लिए क्या करूं मैं जाके। देखो यहाँ से बेंगलुरु जाऊं, बेंगलुरु से मेरे को जाने के लिए फिर एक रात लग ही जाता है, तो झूठी का जो फालतू में पैसा खर्च होता है। तो इसीलिए तो गाइस मैं नहीं जा रहा हूँ, इंडिया नहीं जा रहा हूँ। और आज का वीडियो जो है आपको कैसा लगा, कमेंट करके भाई को लाइक सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करो जो भी है, करो 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 करो, भी अच्छा कमेंट करो, नहीं तो ख्वाब में आके रात में डराऊंगा मैं। सब्सक्राइब करो चैनल को गाइस, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। बेल आइकन दबा बूट से। तो गाइस मिलता हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, आज तो वीडियो मजा आया है, थोड़ा बड़ा हुआ है। अभी कितना जल्दी पी लिया यार, बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा था, खत्म ही कर दिया मेरा, खत्म ही नहीं हुआ अभी। गाइस बाय 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 बाय, चलो।